लोग हैरान होते हैं कि यार डॉक्टर हो और गेमिंग करते हो, गेम्स खेलते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि गेम्स मेरा एक पैशन है, एक शौक है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी जारी रखें और अपना जो शौक होता है उसको भी कंटिन्यू रखें। लोगों का काम है कहना, उनको कहने दें। का वर्जन स्पाइडरमैन लिमिटेड एडिशन और इसी तरह ब्लू कलर का डेज ऑफ प्ले एडिशन, गोल्डन कलर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और आज मैं आपके साथ अपनी गेमिंग हिस्ट्री या गेमिंग एसोसिएशन जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो गेमिंग का मुझे शुरू से ही शौक है, गेम्स कंसोल कलेक्शन का, गेम कलेक्शन का। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जब तकरीबन 93-94 की बात है, तो वहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई थी कि जब निन्टेंडो पहली दफ़ा रिलीज़ हुई थी तो वो हमने परचेज़ की थी पहली दफ़ा। तो हाल रोड में किरण इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप होती थी वहाँ से, तो उसमें उसके साथ एक तो वो गन मिली थी और एक वो डक वाली कोई गेम होती थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, जिसमें डक्स को आपने शूट करना होता था, फिर उसके पॉइंट्स मिलते थे। तो वो बड़ी एक नई चीज़ थी हमारे लिए, गन के साथ टीवी पे हम शूट कर रहे हैं और वो डक्स जो है वो मरती थी और उसके पॉइंट्स मिलते थे। फिर उसके बाद इसी तरह सेगा आई, फिर गेम बॉय, गेम गियर, प्ले स्टेशन 1, प्ले स्टेशन 2, प्ले स्टेशन 3 और इस तरह Xbox 1, Xbox 360, Xbox 1S, फिर Xbox 1X, प्ले स्टेशन 4 और अब PlayStation 5 आ रहा है। तो मैंने तकरीबन ये सारे कंसोल्स ही यूज़ किए हुए हैं। शदीद वाला गेमर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस शौक है कि मैंने गेम खेलनी है और मेरे पास चीज़ पड़ी हो, जब मैं टाइम हो तो मैं वो खेलूँ। ज़्यादातर क्रिकेट या ये कॉल ऑफ ड्यूटी या इस तरह की गेम्स जो हैं वो खेलते थे। निंटेंडो के अंदर अगर आप लोगों को भी याद हो, कैसेट्स होती थी छोटी छोटी सेगा और निंटेंडो की। फिर उसके बाद CDs का दौर आया PlayStation 1 में, उसमें भी बड़ी नई चीज़ थी। शौक मुझे शुरू से इनका, और मुझे भी याद है कि अब्बू के साथ हाल रोड से जाके निंटेंडो की या सेगा की हम कैसेट्स लेके आते थे जो भी नई गेम रिलीज़ होती थी। जैसे सुपर मारियो की कोई आई है निंटेंडो में, या मोर्टल कॉम्बैट रिलीज़ हुई है तो, या कॉन्ट्रा, तो हम लेके आते थे और उसको खेला करते थे। और उस टाइम पे जब नई रिलीज़ होती थी तो 500, 600, 700 रुपये की होती थी, जो कि अगर आपके टाइम के हिसाब से देखें तो वो उस वक्त हज़ारों में कीमत बनती होगी। उस टाइम के हिसाब से अगर देखें 93-94, जब आप खेल लेते थे, शौक पूरा हो जाता था, तो आप शॉप पे जाते थे, उसको चेंज करा के डिफरेंस पे करके नई कैसेट ले लेते थे। पाकिस्तान में जो गेमिंग कंसोल आते हैं वो होते हैं स्टैंडर्ड या बेस मॉडल्स, अक्सर लिमिटेड एडिशन या कलेक्टर एडिशन भी आते हैं। तो मुझे उनका ज़्यादा मुझे शौक होता है कि मैंने वो देखना है और लेना है। और मुझे अनबॉक्सिंग का बहुत शौक है कि इसमें किस तरह का ये इन्होंने बनाया है, क्या इसमें डिज़ाइन है। PS4 के तकरीबन सारे ही मैंने लिमिटेड एडिशन कलेक्टर एडिशन परचेज़ करके देखे हुए हैं, उसके बाद सेल कर देता था मैं, Xbox के भी तकरीबन। तो अफसोस ये है कि मैं इनकी वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि उस वक्त मेरे जहन में नहीं था कि मैंने YouTube चैनल बनाना है या इसको वीडियो को शेयर करना है। तो पिक्चर्स में लेता था, पिक्चर्स ली हुई हैं मैंने, लेकिन वीडियो मैंने इनमें से किसी की भी बनाई। सिर्फ एक मॉडल था जो मैंने USA गया था, तो PS4 2TB 500 मिलियन एडिशन जो रिलीज़ हुआ था, ट्रांसलूसेंट ब्लू कलर का, वो मैंने लिया था। तो उसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा। तो मुझे सबसे जो बेस्ट मॉडल लगा PS4 का वही था, बहुत खूबसूरत था, टोटल ट्रांसलूसेंट मॉडल था, कंट्रोलर भी और प्लेस्टेशन भी, उसके अंदर लाइट्स चलती हुई नज़र आती थी आपको, फिरकियाँ घूमती हुई नज़र आती थी उसके अंदर। तो बहुत प्यारा मॉडल था और उसके ऊपर लिमिटेड उन्होंने बनाए थे 50,000 वो कंसोल्स। तो मेरे पास 38,000 समथिंग था, उसका भी मैं आपको नंबर शो करता हूँ। है काफ़ी था, काफ़ी एक्सपेंसिव, फिर मैंने वो पाकिस्तान ला के शौक पूरा करके सेल कर दिया था। तो उसके बाद PS4 के गॉड ऑफ वॉर का वर्जन, स्पाइडरमैन लिमिटेड एडिशन और इसी तरह ब्लू कलर का डेज ऑफ प्ले एडिशन, गोल्डन कलर, वाइट कलर, ये सारे मैंने परचेज़ करके सेल किए हुए हैं, क्योंकि शौक पूरा किया हुआ है इनका अपना मैंने। फिर Xbox का भी इसी तरह, Xbox 360 तो सिंपल ही था मेरे पास, Xbox 1S जब आया था उसके अंदर बहुत सारे लिमिटेड एडिशन आए थे, जिनमें गियर ऑफ वॉर का सबसे ज़बरदस्त था, उसकी मैं आपको भी पिक्चर शो करता हूँ। तो उसके ऊपर जो एनग्रेविंग हुई भी थी वो बहुत आला थी, बहुत कमाल थी वो। जब मैं और मेरी वाइफ दुबई गए थे, तो वहाँ पे हम दुबई मॉल में मेरे ख्याल गए थे, वहाँ सोनी सेंटर है काफ़ी बड़ा उनका, तो उसमें जब मैं गया तो फीफा 18 उस टाइम पे रिलीज़ हुई थी। तो फीफा 18 का लिमिटेड एडिशन PS4 था, तो वो मैंने परचेज़ किया। तो वहाँ जो सेल्समैन था, वो उसने जब मेरा नाम देखा डॉक्टर सलमान, जब मैंने लिखवाया अपनी रिसीट पे,
तो उसने कहा कि आप डॉक्टर हैं, गेमिंग करते हैं? मैंने कहा हाँ जी करता हूँ गेमिंग। और कहते हैं आपकी वाइफ है माइंड नहीं करती? मैंने कहा नहीं करती माइंड। बड़ा खुश हुआ इस चीज़ पे। फिर कहता है कि मैंने आपकी पिक्चर लेनी है। उनका पोडियम था, सोनी लिखा हुआ था प्लेस्टेशन ऊपर, और सामने डाइस बने हुए थे, और बड़ा ज़बरदस्त सब बनाया हुआ था। उन्होंने कहता है इस पे खड़े हो, मैं आपकी पिक्चर देता हूँ, और ये आपकी वाइफ आपको गिफ्ट करें और मैं आपकी पिक्चर लेता हूँ। मैंने कहा कर लो। तो वो बड़े मज़े का और फनी सीन था, मैं आपकी पिक्चर अभी शो करता हूँ आपके साथ। फिर इसी तरह जब ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पर भी जब JB Hi-Fi स्टोर पर गए, तो इसी तरह मैंने PS4 Pro 1TB जब वहाँ से लिया JB Hi-Fi से, तो उधर एक फिलिपिनो खातून थी काउंटर पे, तो उन्होंने भी जब नाम एंटर किया डॉक्टर सलमान, तो उन्होंने भी यही सवाल किया आप डॉक्टर हैं गेमिंग करते हैं? मैं कहा बिल्कुल करता हूँ। फिर उसने कहा कि आपकी वाइफ है? मैंने कहा हाँ जी। कहती ये माइंड नहीं करती? मैंने कहा पूछ लें आप इनसे। तो उसने भी कहा नहीं मैं माइंड नहीं करती। तो वो भी बड़ा एक मज़े का सीन था। फिर उसने मुझे दिया और इस तरह कॉन्ग्रेचुलेशन किया बड़ी खुश होकर। फिर वो भी मैंने पिक्चर बनाई थी, मैं आपको भी शेयर करता हूँ आपके साथ। इन्जॉय, मैं इस चीज़ को इन्जॉय करता था। बाहर लोग जो हैं बड़े, जब आप जाते हैं परचेज करते हैं, उनके सेल्स मैन सेल्स गर्ल्स वगैरह जो हैं, तो वो बड़ी अच्छे तरीके से आपको डील करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मैं आपको चीज़ बता दूं, बल्कि ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ जब आप ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं, तो अगर आप विज़िटर हैं, रसीद आप संभाल के रखें, और वो जो भी चीज़ आपने परचेज़ की है $300 या उससे अबव की अगर चीज़ हो, तो आपको टूरिस्ट रिफ़ंड वीज़ा स्कीम के अंदर आपको जो टैक्स है GST है वो वापस रिफ़ंड हो जाता है एयरपोर्ट पे, आप उनके काउंटर पे अगर चले जाएं वापसी पे जाते हुए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं या सोचते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ और गेमिंग करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, और लोग हैरान होते हैं कि यार डॉक्टर हो और गेमिंग करते हो, गेम्स खेलते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि गेम्स मेरा एक पैशन है, एक शौक है, और वीडियो एडिटिंग भी काफ़ी अरसे से मुझे शौक़ था। मैं पिक्चर्स लेता था मोबाइल से, वीडियो बनाया करता था। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी जारी रखें और अपना जो शौक़ होता है उसको भी कंटिन्यू रखें। कुछ लोगों को बाइकिंग का शौक़ है, कुछ लोगों को साइकिलिंग का शौक़ है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का होता है। तो मुझे ज़्यादातर गैजेट्स का शौक़ है, गेमिंग कंसोल्स का, गेम्स का, ट्रैवलिंग का भी शौक है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने ब्लॉग कभी नहीं बनाया, लेकिन अब इंशाल्लाह जाया करूँगा तो ब्लॉग भी बनाया करूँगा। लोगों का काम है कहना, उनको कहने दें और बस अपना काम करते रहें, तो आपको अल्लाह मियाँ तरक्की देगा और अल्लाह मियाँ ही आपको उसमें बरकत डालता है। तो लोगों को कहने दें, जो भी कहना है आप अपना काम करते रहें, जारी रखें और इन्जॉय करें लाइफ को। तो आइंदा भी आपके पास आपके साथ मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा, गेमिंग भी और इन्फॉर्मेटिव भी, हर तरह की वीडियोज़। तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को प्लीज़ प्रमोट करें, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इतना तो बनता है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।